हरे राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद वंदन नितनिला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री योग सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरु पाद वंदन नितनिला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री लव नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सर्ग में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज माधव महाराज नरसिंह महाराज श्रील भवानी महाराज पद्मनाभ महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी का मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बड़ी बहुत सौभाग्य क्या दिया है श्रील गुरु के आनुगत्य में हम लोग श्री झूलन उत्सव को हम लोग पालन करने के लिए जा रहे हैं। ये जो झूला महोत्सव है ये कोई साधारण झूला नहीं है, जिसके लिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ब्रज का जो ये मधुर लीला है विशेष करके ये राधा चंद्र में विशेष करके पांच लीला उनका विशेष लीला है। एक है कि झूला महोत्सव, दूसरा है मधुपान, तीसरा है निकुंज लीला, चौथा है उनकी जल दया और उनका दीपराज। तभी ये ऐसे ये दिव्य लीला है कहते जहाँ पर कहते ब्रह्म में स्वराज गुरु व पदार्थ, जिस लीला में ब्रह्मा भी इस लीला में प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए वो लास्ट में वर्षा नामी वो पर्वत रूप को प्रकट हुई। जहाँ पर श्री शंकर जी भी जिस लीला में प्रवेश नहीं कर पाते, जहाँ पर स्वयं शंकर जी गोपी स्वरूप में गोपी बन करके तभी कोशिश किया लीला दर्शन के लिए, लेकिन गोपी वाले निकाल कर गोलचा मार करके चोटी पकड़ कर निकाल लिया। जिस लीला में है कहते जहाँ पर श्री उद्धव आदि जहाँ पर उद्धव जी ब्रज में आए और उनकी लीला सौभाग्य को दर्शन किया, लेकिन लास्ट में कहते ही बंदे नंद ब्रज स्थिता पाद रेणु अभिष्ट। जहाँ पर बड़े दूर से राधा रानी के चरण की केवल एक धूल को उन्होंने वंदना की, और जहाँ पर कहते हैं गुलम लता औषधिया, तभी मेरे सौभाग्य होगा अगर इस ब्रज में तीनों गुलम और औषधि के रूप में अगर हमारे जन्म हो जाए तब हम अपने जीवन को धन्य में गए। कौन कह रहे हैं उद्धव जैसे व्यक्ति कह रहे हैं, जहाँ पर स्वयं नारद भी जहाँ पर नारद या गोपी वर्गी नारद रूप में गिरिराज के तलहटी में जहाँ पर नारद जहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, बल्कि इनकी बात छोड़ दो जब इनकी जो निकुंज से जो लीलाएं हैं जहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जत किं करिष्य बहुशः खलु कापवाणी नित्यं परस पुरुषस्य स्थितं। जहाँ पर श्री राधा रानी कभी मानी में बन करके जब कुंज में रहते हैं जब आज हम किसी काले व्यक्ति को देखना नहीं चाहते हैं, जहाँ पर श्याम सुंदर उनकी किंकरियों के पास में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं जिस लीला में प्रवेश करने के लिए, बोले कौन कहते स्वयं अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो अधिनायक है कृष्ण भी जहाँ पर प्रवेश करने के लिए उनके लिए भी दुर्लभ, मतलब ये इतने दुर्लभ लीला ये झूला लीला है, अद्भुत लीला है। इसलिए श्री गुरुपाद पद्मा बड़ी सुंदर रूप में ये लीला को वर्णना करते थे। अभी श्री राधा रानी जावट है अपना ससुर है, अभी इसी झूला महोत्सव आने पर श्रावण के महीना आने पर जहाँ पर सुंदर बारिश होने पर सारे वृक्ष हरा भरा हो जाते हैं, जहाँ पर सुंदर पोए कुहुकती है, जहाँ पर मयूर सुंदर केक आ करते हैं, पूरा सारे वृक्ष हरा भरा हो जाते हैं। और आप लोग तो भारतीय लोग इसलिए अभी राधा रानी रहती है अपना ससुर घर में, ससुर घर में मर्यादा है वहाँ पर झूला नहीं कर सकती है, अपना मर्यादा में रहना पड़ता है। इसलिए राधा रानी चाहती है मैं कब अपना पिया में आओ और भी ये झूला में बैठूँ और श्याम चंद्र के साथ। इसलिए राधा रानी बड़ी
थाल लगा करके आँस लगा करके बैठे, तो मेरे भैया श्रीराम जी आए और हमको अपना घर में ले जाए। लेकिन इस समय निकलती नहीं जा रही है, लेकिन श्रीराम भैया आए नहीं रहे। लेकिन जो बड़े दिनों में से श्रीराम भैया आए, राधा बड़ी दुखी हो गई, बोले अपने आपने देख क्यों करा तो लगा दिया, बोले किसी काम की वजह से मैं नहीं आ पाया हूँ, बोले अभी चलो तो राधा रानी को लेकर के श्रीराम भैया आते हैं कहाँ पर, ये बरसाना में आते ही, इसलिए वहाँ पर जो वन है उसका नाम गंवर वन है। बोले गंवर वन क्यों है, बोले राधा रानी का जो लीला है वो गंभीर लीला है। इसलिए जहाँ पर श्री श्याम सुंदर राधा जी को साथ में जहाँ पर झूला पर झूलती है, जहाँ पर कहते ये झूला लीला की क्या विशेषत्व है, ये झूला लीला की कहते झूला लीला की ये विशेषत्व है, जब राधा कृष्ण दोनों झूला में बैठ करके झूलते हैं, कभी कभी सखियाँ इतने जोर से उनको झूला को झूला दिया, झूलाने पर राधा रानी डर जाती है और डरते हुए उन्होंने श्री श्याम सुंदर को पकड़ लेते हैं। कहते ये सखियों की मंजेरियों का भावना किया है, बोले कब श्री जुगल को हम मिला, ये कभी भी श्याम सुंदर के साथ में ये मंजरिया विशेष करके स्वाद में भर श्री स्वयं कृष्ण के साथ में मिलना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं जुगल को हम मिलन कराए। लेकिन जब इनकी जुगल मिलन हो, कहते स्पृशति जदि रघुंद सखीनाम तत् सखीनाम, जब श्याम सुंदर राधा रानी को स्पर्श करती है राधा रानी को, लेकिन कंप अश्रु पुलक कहाँ पर होता है, कहते ये सखी मंजरी होते हैं, ये सारे चिन्ह अपने आप इनके ऊपर में आ जाती है, इनके ऊपर आने पर सारे लीला रस की आस्वादन ये करते हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलने ये नहीं चाहती है। जब से राधा रानी श्याम सुंदर को पकड़ लेती है, ये सखियाँ प्रसन्न हो जाती है, आज हमारी ये लीला हमारी ये सार्थकता होगी। इसलिए यही लीला को जब श्री राधा कुंड में है, जिस समय से राधा कुंड को प्रकट कर दिया, श्री पौर्णमासी में वृंदा देवी को आदेश दिया, बोले वृंदे तुम ये राधा कुंड को सुंदर रूप में इसको सजाओ, ऐसे सजाओ राधा कुंड को पृथ्वी विकास का श्रेष्ठ लीला से होनी चाहिए। इसलिए श्री वृंदा देवी जो श्रृंगार रस को पुष्टि करती है, वहाँ पर श्री अनंत गोविंद लीलामृत ग्रंथ और कृष्ण भावनामृत ग्रंथ और विभिन्न ग्रंथ में इस चीज को हमारे गोस्वामी ने अभिव्यक्त किया है। विशेष करके उन्होंने जो राधा कुंड श्याम कुंड को जो चार कोना है वहाँ पर सुनकर झूला लीला करा, कहीं कदम वृक्ष के शिखर में एक आम वृक्ष है, एक कमाल वृक्ष है, ये वृक्ष हो जिस पर राधा गोविंद सिंह झूला में बैठ के थे, जब वो झूलती है वो झूलते समय का परछाई ना करती है, पानी को परछाई जैसे झूलते हैं ऊपर में, लेकिन परछाई पड़ती है राधा गोविंद में है परछाई पड़ती है। इसलिए जिसको श्री रूप गोस्वामी ये चाणक्य पुष्पांजलि ग्रंथ में ये चीज को उन्होंने वर्णना किया है, जहाँ पर बेणी डाला नहीं बना, जब उन्होंने देवी गुरोचना बोल जब ये श्लोक को उन्होंने रचना करते हुए श्री दिया उन्होंने सनातन गोस्वामी को, भैया देखो मैंने राधा की सुंदर मैंने चित्र करने के उनके लीला को मैंने वर्णना की श्रृंगार रखना, लेकिन सनातन गोस्वामी पढ़कर में बड़े खुश हुए अद्भुत श्रृंगार की वर्णना, लेकिन एक चीज को देख करके श्री सनातन गोस्वामी ने कहा तुमने एक चीज मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ी लग रहा है, बोले किया है, बोले राधा रानी का चोटी को तुमने जो वर्णना किया है बेणी डाला जैसे काला अग्नि को सार से बना करता है, ये थोड़ी सी हमको थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है, कहाँ राधा रानी प्रेम स्वरूपिणी भक्ति स्वरूपिणी रस स्वरूपिणी कहाँ राधा, और तुमने एक काला नागरी को साथ में हमने बराबर कैसे कर दिया, तो ठीक है भैया मैं कोशिश करूँगा इसको सुधारने के लिए। सनातन गोस्वामी रोज परिक्रमा करते हैं गिरिराज, परिक्रमा करते करते जब राधा कुंड पर गए, गृहजी बारिश ही हो रही थी और बड़े सुंदर कदम का वृक्ष है उसमें बड़े सुंदर झलक डाला था और उसमें एक बड़ी सुंदर एक ईश्वरी बैठी थी और अगल बगल में कोई सखी आपको झुला कर झुला रही थी और राधा रानी का जो बेणी है वो सर से लेकर के चरण तक है, हम लोग बेणी बनाते हो बिना बेणी का आखिर में कैसे ऊपर मोटे और नीचे पतला होती है, जैसे काला ऐसे लग रहा था जैसे राधा रानी को पीछे तीन चार काला नागनी जैसे पीछे पर चढ़े हुए,
और लग रहा जैसे वो ताकने के लिए जा रहे, और झूल रही थी बेटी को। सनातन गोस्वामी दूर से देखे, देख करके बोले गाली गाली तुमको दिख नहीं रहा है, इसको पीछे तीन चार काला नागनी चढ़ा हुआ ऊपर। जब उन्हें भागते हुए वहां पर गए, इतने में वो जो बीच में सखी बैठी हुई थी थोड़ी सी मीठी सी मुस्कुराती, और मुस्कुरा करते हुए धीरे धीरे सारे जाती अंदर जाने गए। सनातन गोस्वामी ने ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? फिर उनको याद आया, अरे रूपो गोस्वामी ने जो राधा रानी की जो बेड़ी को उन्होंने काला नागरी को साथ में बराबर किया है, ये चीज को राधा रानी मेरे को स्वयं दर्शन कराया। क्योंकि जो रूपो गोस्वामी और रूपा भंजरी है कृष्ण लीला में, साधारण जैसे कविता जैसे नहीं, साधारण जो पंडित होगा जो कपोल कल्पना नहीं। इसलिए कहते हैं प्रेम जन चरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय सुनील, वो दिव्य हृदय में जब दिव्य इंद्रियों को जरा दर्शन करते जो चीज को वो चीज को वर्णना करते हैं तो याद आया, अरे मैंने इसको बोल दिया ना गलत है। इसलिए राधा रानी रूपो गोस्वामी ने जो लिखा इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ये चीज को मेरे को दिखाया। फिर उन्होंने आए यहाँ पर श्री रूपो गोस्वामी के पास, बोले रूप तुमको इसको बदलाने की कोई जरूरत नहीं, आज तुम्हारी कृपा से श्री किशोर जी के आज मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। इसलिए बेणी को उन्होंने बलाहीन को साथ वर्णना किया। ये जो झूला लीला है यह विशेषत्व लीला, बोले क्या विशेषत्व है कि झूला आप लोग झूले होंगे, बहुत तरह का झूला होता है, बहुत तरह का झूला होता है। एक झूला होता है जैसे इधर से वो इधर, और दूसरा होता है इधर से वो इधर जाता है, एक होता है ऐसे इधर और एक होता है इधर से इधर, दो तरह का झूला होता है। और एक तरह का होता है जो खड़े होकर के बड़े तेजी से झूला देगा, झूला तो बहुत तरह का होता है। और उसमें एक विशेष लीला है जब श्याम सुंदर इधर से ऐसे जाते हैं कि श्री किशोर जी ऐसे ऐसे आती है दूसरे तरह से, जब आती है उसी समय में राधा रानी की जो चरण का जो दर्शन है ये झूले झूले है। इसलिए और किसी लीला में राधा रानी की चरण दर्शन नहीं मिलता है, इसलिए जो राधा रानी का जो चरण है ये साधारण वस्तु नहीं। इसलिए इसे रसघात कहते हैं, किरत और सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ केसव के कलिकुंज कोटि कोटि काशी, गोपिनी के द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी, स्वर्ग और वर्ग हम ले कर करेंगे क्या जानकर नहीं है हम श्री वृंदावन वासी। इसलिए राधा रानी का जो चरण है जिसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, अनाराध्य राधा पदा भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तद अटवी असंभास तद भाव गंगरचिता उतः श्याम सिंधु रस श्याम गाव। इसलिए किसी रसिक कोई संत ने बोल दिया हम तो श्याम रंग में रंग गए, हम तो कृष्ण भक्ति रंग में हमने रंग गया, वो बड़े बड़े कवियों के पास में गए, बड़े उन्होंने बहावा दिया, लेकिन जब श्री जीव गोस्वामी के पास में पहुंचे तो इतने आसान नहीं, कृष्ण रंग में रंगना। अगर कृष्ण रंग में रंगना चाहते हो पहले तुम्हें तीन चीज को आश्रय लेना पड़ेगा, तभी कृष्ण रंग में रंग सकती हो। तीन चीज क्या है, बोले राधा रानी के चरणों को आश्रय लेना पड़ेगा, राधा रानी के चरण के धूल का आश्रय, और राधा रानी की चरण की अंकित जो वृंदावन धाम का आश्रय लेना पड़ेगा, और राधा रानी की प्रेम रस में जो सराब रहे जो साधु है उनकी चरण में जब तक अभिशप्त नहीं होते हो तब तक इतना आसान नहीं तुम कृष्ण रंग में रख जाओगे। इसलिए ये झूला लीला है इसमें विशेष करके श्री श्याम सुंदर को राधा रानी की चरण के दर्शन को प्राप्त होता है। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री हमारे श्री श्री रूप गोस्वामी जो स्तवा बली है और श्री स्तवा मृदा लहरी, इस सब ग्रंथ में श्री राधा रानी के चरण की जो चिन्ह है उसकी महिमा को वर्णना करते हैं। क्यों राधा रानी की कहते हैं राधे तेरे चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए, क्यों प्रार्थना करते हैं राधा रानी के चरण के धूल को, वहां पर उन्होंने वर्णना किया है राधा रानी के चरण में जो एक एक जो चिन्ह है वो साधारण चिन्ह नहीं, उन्होंने एक एक चरण के अद्भुत महिमा गाते हैं।
है, कौन सा चरण का चिन्ह का कौन सा स्मरण करने पर क्या क्या प्राप्त होता है। और जो चरण कमल श्री श्याम सुंदर के लिए भी जिनका ब्रह्मी स्वरादि सुदूर्व पदार्थ, इसलिए जो आदि ईश्वर जो कृष्ण है इन्हीं के लिए भी राधा जी की चरण की, इन्हीं के लिए भी दुर्लभ राधा जी की चरण है, इतने दुर्लभ श्री राधा रानी की चरण है। इसलिए जो झूला महोत्सव का ये विशेष महत्व है जिसमें श्री राधा रानी की चरण को श्री श्याम सुंदर को दर्शन प्राप्त होता है, ये झूला लीला में इन्हीं विशेषत्व लीला है। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म कृपा करके रूप सनातन मठ में और ये झूला महोत्सव गुरुदर में यहाँ पर उन्होंने प्रारंभ किया है और उसी को प्रणीभूत करते हुए श्री रूप गोस्वामी को जो तिरुभाव महोत्सव है उसमें जो मिल गया शब्द उसमें चार चांद लग गया। इसलिए कल से हम लोग यहाँ पर कल सवेरे 6 बजे महाराज जी कल सवेरे हम 6 बजे यहाँ से निकलेंगे। मैंने गया था वहाँ पर कुछ संस्कार राधा दामोदर मंदिर कुछ संस्कार हो रहा है, लेकिन मैंने वहाँ पूछा वो बोल रहे हैं हम कोशिश करेंगे उसको पूरा अच्छे तरह से ऐसे सफाई करें जैसे वहाँ बैठ करके हरी कथा हो सकती है। वहाँ पर मैंने पूछ करके आया वहाँ पर पूछ करके आया, इसलिए कल सवेरे हम लोग सवेरे सबके सब कोशिश करना सवेरे आरत में आने के लिए, जो लोग बाहर होते भी यहाँ के भक्त लोग आ जाएंगे आरत दर्शन करना और उसके बाद में थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ पर थोड़ी सी कीर्तन हो जाएगी, सब भक्त लोग जब एकत्रित हो जाएंगे फिर हम यहीं से कीर्तन करते करते हम लोग चलेंगे श्री राधा दामोदर मंदिर में। वहाँ पर गुरु जी का बड़ा प्रिय था क्योंकि गुरुदेव रमण मंदिर में, इसलिए रमण मंदिर होने का नाते केवल गुरुपाद पद्म ही केवल जो 3 दिन तक केवल श्री रूप गोस्वामी की वैशिष्टता को पर जो विवेचना है कि हमारे गुरु जी का विशेष रहे ये और कहीं नहीं बता, इसलिए सब हम विभिन्न वैष्णव भाव ने निमंत्रण दिया सब वैष्णव लोग आएंगे। फिर वहाँ से आने का बात है दूसरे दूसरे मठ से ब्रह्म भक्त लोग भी आएंगे जैसे दर्शन बनाए फिर बैठे सगर वहाँ पर 6 बजे जाएंगे वहाँ पर कथा होगी, उसके बाद में फिर दूसरे दूसरे गौरी मठ के सब संन्यास लोग आएंगे फिर कथा 10 बजे से लेकर के 12 बजे फिर कथा होगी, फिर शाम को फिर हम लोग 5 बजे फिर यहाँ बैठेंगे बैठ करके 4 बजे हम यहाँ कीर्तन शुरू कर देंगे और 5 बजे रूप गोस्वामी की महिमा के प्रारंभ शुरू करेंगे। ऐसे ही 3 दिन पर यहाँ पर धर्म सभा चलेंगे और चौथा दिन में श्री सवेरे सवेरे श्री बलदेव लोगों का हम लोग कथा श्रवण करेंगे क्योंकि महाराज लोगों का मथुरा है ना फिर जन्माष्टमी को बैठ जाएंगे। हाँ हाँ प्रसाद प्रसाद सभी के लिए कल से रूप गोस्वामी की कृपा है, सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है सवेरे दोपहर शाम और यहाँ 5 दिन तक तो सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। ठीक है हम वंशा करो कर।